दोस्तों अभी फ्रेश हो चुके हैं और हमारी वाइफ तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल वाली लग रही है, हमारी शोरमोन, हमारी प्यारी सी मम्मी भी एकदम पूरा स्मार्ट लग रही है। तो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं टिकट बुक कराने के लिए, क्योंकि कहीं घूमने जाने वाले हैं भाई साहब अपनी वाइफ को लेकर और मम्मी को भी लेकर जाएंगे। हाँ। और दोस्तों हम लोग जाएंगे, सबसे पहले यहाँ से जाएंगे, अभी इवनिंग का टाइम चल रहा है दोस्तों और शाम के 4:00 हो रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे अभी रेलवे स्टेशन, हमारे यहाँ एक सिसवा पड़ता है, वहाँ जाएंगे हम लोग टिकट वगैरह बुक कराएंगे, देखते हैं। और गाइज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहेगा, जैसे आप लोग दोस्तों जान ही रहे थे हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फिलहाल के टाइम अभी हम कहीं चले जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। बाकी मम्मी जी का हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं, खुश रहा बेटा, खूब तुम्हारा लंबा उम्र हो। हाँ दोस्तों आप लोग बताइएगा हमारी प्यारी सुवाइफ आज कैसी लग रही है, जरूर बताइएगा, मम्मी है इधर डांट लगेगा मिले तभी। हम लोग चलते हैं बाइक के पास और फिर फटाफट निकलते हैं, ऐसे भाभी को समझा समझा दिया जाए घर का काम। और दोस्तों मंगलसूत्र जो इनके लिए लिए है वो हम कहीं मंदिर पर जाकर पहनाएंगे, तो उसको आप लोग को ब्लॉग में बनाकर दिखाएंगे। और आप लोग बोले थे कि भाभी के लिए नहीं कुछ खरीदे, तो नेक्स्ट बारी भाभी के लिए हम खरीदेंगे, क्योंकि भाभी के पास ऑलरेडी है नहीं मम्मी, वो पहनती नहीं, मम्मी जी पहले से खरीद के रखी है। तो दोस्तों भी चले हम अपने बच्चों सबसे मिल ले, अब मेरा यहाँ पर चाची चाचा वाला मेरा बेटा, दोस्तों चाचू चाचा बोल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। बाकी यहाँ पे भैया का भी आशीर्वाद, भैया नमस्ते, नमस्ते। चलिएगा अभी बच्चों ये कह रहे हैं कि हमारे भाई के, छोटा भाई के सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, आप लोग तो ध्यान धारना आगे अपने भैया जी के बात मान जाए। दोस्तों भैया जी बोल नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, बस आप लोग का प्यार दुलार आपके भाई के ऊपर बना रहे। हमारी वाइफ भाई बहुत अच्छे से हमारे फैमिली को ख्याल रखती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और एकदम एक्साइटमेंट है भाई जाने वाली है घूमने के लिए। मेरे भी घर के सरदार लोग बहुत अच्छे, मम्मी दादा भैया भाभी बहुत अच्छे। कैसा लगेगा घूमने चल रही है? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा दोस्तों। देख सकते हैं बीबी लोग को घुमाने ले चलिए तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा छोटू बाबू बहुत दिन के बाद मामा घर से आया। कैसा लगा जी आपको? हमको छोटी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट है। दादाजी नमस्ते। और दोस्तों यहाँ पे भाभी जी से मिल लिया जाए, हम लोग भाभी जी देख रहे हैं, किसका वीडियो देख रहे हैं? भाई फुलवारी तो हमें जगावे, आगे बढ़ावे, सपोर्ट लोग करें। और दोस्तों इधर देखिए भाभी अभी मोबाइल लेकर देख रहे हैं। भाभी जी को सुनाता नहीं है लेकिन फिर भी इनको मोबाइल चलाने का बहुत शौक है, देख सकते हैं दोस्तों, किसी का ब्लॉग देख रही हैं। क्या क्या डांस कर देख रही हैं? दोस्तों पानी गर्म हो चुका है, भैया जी को नहाने के लिए पानी गर्म किए, ठंडा लग जाए। और भैया हमारे नहाते नहीं है, देखिए वहाँ पे रहे, लेकर आओ लेकर। चलिए भैया जी आइए। हमारा छोटू बहू बहुत ख्याल रखती है सबको ऊपर, देखो बड़े बाबू के पानी तो गर्मा दिए हैं नहाने के लिए कि जाओ ना। और देखिए भाभी से पूछते हैं भैया नहाते कि नहीं, भैया नहाते हैं हमेशा झगड़ा ये लोग करते रहते, बोले दोस्त लेकिन नहाते नहीं है, बोले रात को हमको डरवा दिए, ऐसा हो गया है। पानी रख दीजिए भैया के लिए वाले चल के, पानी रख दे रहे हम लोग घर से निकलने से पहले, लकड़ी वगैरह रोज यहाँ पे सूखता है तो हम लोग इसको सुखवा देते हैं, क्योंकि भाभी को खाना बनाने में दिक्कत होगा, जब सूख जाता तो बहुत अच्छा जलता है। देखिए छोटा छोटा लकड़ी है लेकिन ठंडी आ गया, ठंडी में गैस पे नहीं बनाइएगा, नहीं गैस पे नहीं बनाएंगे। और इससे क्या होता है दोस्तों, नहा वहा के हम लोग आग वगैरह भी ताप लेते हैं। तो मेरा बेटा बोल रहा है रखने के लिए, बेटी रख दोगे? देखिए दोस्तों सत्यम कैसे काम कर रहे हैं, सत्यम बेटा बहुत होशियार है, बहुत अच्छे हैं, देखिए कैसे रख रहे हैं। देखिए किस तरह दोनों लोग आपस में समझ गई हैं। और देखिए मम्मी अभी हंस रही है यहाँ पे, इन लोग का प्यार देखिए हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे छोटी बहू बहुत संस्कारी है, ये तो बड़ी बहू के सिखा रही है, पूरा अच्छे से देखभाल करती है। चलो आप रख दो, ठीक है वहाँ पे रख दो। क्या कह रहा मम्मी? ये कह रहा है चाचू चाचा हम तो गैस खोलेंगे, नहीं गंदी आदत, गंदी आदत, गंदी आदत, चाचू चाचा तो मारेंगे। तो भाई साहब अब हम लोग निकलते हैं, देखिए स्वेटर वगैरह ले चुके हैं, ठंडी का मौसम है और रात हो चुका है, शाम हो चुका है गाइस, जैसे इवनिंग का टाइम है। और भाभी क्या बोल रही है? भाभी जी बोल रहे हैं नमक, क्या नमक नहीं है तो नमक मंगवा दीजिए। तो भाई हमेशा गली में पैदल ही जाना पड़ता कि तो हमको बाइक लेकर आना होता वैसे वैसे उस रास्ते, और क्या बताया जाए, ठंड भी लगे के रास्ते में ना, तो स्वेटर लेकर हम लोग चल रहे हैं। हाँ साल स्वेटर सब ले लिए। और दोस्तों देखिए हम लोग का टिकट का क्या होता है, जैसे टिकट निकलेगा मैं आप लोग को बताऊंगा। चाबी किधर है दी हमको? हाँ, अच्छा इधर है, इधर पॉकेट में चाबी है, तो अभी
पॉकेट में रख कर भूल जाते हैं, याद नहीं आ रहा। चाबी देते हैं तभी भूल जाते हैं। नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं ना। मैं घर से निकल चुकी हूँ और आप लोग देखिए इधर नहर रास्ते हम लोग जा रहे हैं भाई, बहुत दिक्कत हो रहा है नहर के रास्ते हम लोग जा रहे हैं, मम्मी पीछे बैठी है, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, पूरा हरा हरा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी, मतलब हरा हरा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो नहर रास्ते गए नहीं है लेकिन फिर भी चल रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा, मजा आ रहा भाई नहर रास्ते चलने में, इनको मजा आ रहा है, हमें दिक्कत हो रहा है चलाने में, सर हंसक रहा है इसे भाई। इसका तबीयत खराब हो चुका, क्या हुआ जी? टांस लग रहा है जी पैरों में, उठाइए मम्मी, कहीं इनको चेक करा दी भाई, बाइक पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, मम्मी जी छोड़ दीजिए पैरों मेरा, चलो ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो पैर, ऐसे करो, ऐसे करो, बाप रे टांस पकड़ लेते हैं बाइक को, पकड़ देते हैं तुम, रो रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पर, मम्मी जी हम मेरे हस्बैंड जी और हम लोग चल रहे हैं टिकट निकलवाने। भाई साहब ये फर्स्ट बार ट्रेन पे बैठेंगी, जब टिकट वगैरह हो जाएगा हम लोग कहाँ जाएंगे आप लोग को पता हो जाएगा, जब टिकट हम लोग का हो जाएगा मजा आएगा ना जी, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं हम लोग अभी टिकट काउंटर के पास, वहाँ से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तत्काल टिकट का हम लोग को लेना होगा। ट्रेन पे बैठने वाली बैठी रही, वो बैठने वाली बैठने वाले, मम्मी जी हम मेरे हस्बैंड जी आ गए टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर है, हम तो हमारी बहू आ गई हैं और टिकट काउंटर में। हाँ इधर से हम पूछते हैं सर जी से, ऑटो 8 बजे आना होगा जी सर, 8 बजे से 3 बजे तक वो पेन रहता, हम लोग की गड़बड़ हो चुकी है। तो भाई साहब टिकट तो हुआ नहीं, हम लोग 20 किलोमीटर तक आए जा रहे थे क्योंकि टिकट काउंटर अभी बंद है, तो फिर हम लोग सुबह में आएंगे टिकट कराने के लिए ना जी, सुबह में 8 बजे आएंगे। सो रात में काफी लेट हो गया था और रात के 10 बज चुके थे हम लोग, आप लोग जानते हैं कि सिसवा रेलवे स्टेशन पे आए थे टिकट कराने के लिए, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं गाइस आप लोग को आगे पता चलेगा, टिकट तो हमारी कंफर्म हुई नहीं क्योंकि रात हो चुका था और तत्काल टिकट वो लोग बोले थे कि 8 बजे निकलेगा, तो हम लोग चले आए थे मौसी घर। यार देखिए दोस्तों हमारी मौसी है, इसका आशीर्वाद ले लेते हैं, और हमारी प्यारी सी वाइफ, शादी के बाद हम लोग आए हैं मौसी के घर, बहुत प्यार दुलार मिला। बाकी दोस्तों देख सकते हैं हमारा LCD में ब्लॉग चल रहा है, यही है टीवी पर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, अपना LCD देख लीजिए भाई, मम्मी अभी टीवी पर आई है, तुमको कैसा लग रहा? हमको भी यकीन नहीं है कि हम टीवी पर देख रहे हैं, अभी देखिए हम मेरी मम्मी और हम मेरे हस्बैंड हम लोग टीवी पर देख रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों मम्मी भी दिख रही है। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा मौसी के घर पे आके, क्या बताऊं दोस्तों मजा आ गया, और हमारी प्यारी सी मौसी कुछ कहना चाहेगी। पहले तो हमारी मौसी बहुत डांट वगैरह मारी भाई, कही तुम भाग के शादी कर रही हो, पूरा गांव के लोग बोल रहा, तो मौसी को समझा रहे हैं, बहुत समझाए बुझाए हैं, ये भी डर रही थी कि मौसी के घर नहीं चला जाएगा नहीं तो मौसी क्या करेंगी, लेकिन कैसा लगा जी आपके? मौसी जी घर पर आकर उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दुलार दी है, बहुत अच्छी है मौसी जी। हाँ देखिये हमारी मौसी कुछ कहेगी, क्या कहेगी? जब तारे घर नहीं खेत का भटको तारे आखम घर देते नहीं रहो दोस्तों, मम्मी मम्मी मौसी एक ही होती है, मौसी बोल रही है कि घर ले लीजिए, ये तो कहानी है कि माँ मरे मौसी जी हैं तो सही बात है। और गाइस सबसे अच्छा हमको ये लग रहा, देख सकते हैं भाई हमारा सपना यार कि मैं टीवी में आऊँ, टीवी में आऊँ, फाइनली ड्रीम पूरा हो गया, देखे टीवी में आज तो हम अपना शादी वाला वीडियो देख रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों इसी में हम लोग भाग के शादी किए थे और अभी मम्मी देख रही है, कैसा लग रहा? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, और हम सोचते हैं कि हमारे बाबू का तो दिल तो मौसूम हो गया, हमको दर्द लगता है कि देख सकते हैं दोस्तों अभी हम ब्लॉगिंग इसमें कर रहे हैं, अभी देखिए हंस रही है पगली, कैसा लग रहा है जी? पीछे देखिए आप लोग कितना प्यारा दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट दीजिए, और काफी रात हो चुका था तो अभी हम लोग आराम करेंगे, और मौसी के घर आए अच्छा लगा, इसको तो डर लग रहा था। बाकी आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और दोस्तों बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले घूमने के लिए, तो मजा आएगा नहीं जी? बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग